बहुत स्वागत है। सो यहाँ पर देखिए, हम आपको बताएंगे अगर अपना WhatsApp से कोई भी फोटो को डिलीट कर देते हैं तो उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, और बहुत समय होने के बाद अगर डिलीट हो जाता है और वो WhatsApp से फिर डाउनलोड नहीं होता है तो उसे भी कैसे रिकवर करना है, मैं दोनों तरीके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो देखिए, सबसे पहले हम अपने WhatsApp को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कोई भी हमें बहुत सारे यहाँ पर चैट है, चलिए कोई भी हम एक चैट को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि मुझे ये तीन फोटो भेजी गई हैं, अगर ये फोटो हमारे यहाँ से हम जब डाउनलोड करेंगे तो हमारे गैलरी में आ जाती हैं। चलिए हम अपनी गैलरी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम दिखाते हैं वो आपको फोटो जो यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुकी हैं। तो देखिए ये फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर देखिए ऑल पर हम क्लिक करते हैं सो वो फोटो देखिए यहाँ पर भी अपलोड हो जाती हैं, और आपको भी देखिए यहाँ पर फोटो देखने को मिल जाती हैं। अगर इन सभी फोटो को हम यहाँ पर गैलरी से डिलीट कर देते हैं तो ये देखिए सभी को मैं एक बार यहाँ पर पहले डिलीट करके फिर मैं आपको यहाँ पर रिकवर करके दोबारा वापस ला के दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर हम डिलीट करेंगे जैसे देखिए वो फोटो डिलीट हो जाएंगी। अब हमने WhatsApp पर आएंगे, अपने देखिए WhatsApp को हम ओपन करेंगे तो एक बार हम सब यहाँ पर बैक आते हैं और एक बार हम यहाँ पर फिर से WhatsApp को ओपन करेंगे, और क्लोज करने के बाद फिर से जैसे अपने WhatsApp को आप ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से हम क्लिक करते हैं और वही फोटो देखिए अब मुझे फिर से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। देखिए यहाँ पर फिर से मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और वो फोटो देखिए फिर से डाउनलोड हो जाएगी। अगर हम फिर देखिए यहाँ पर अपनी गैलरी में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए वो फोटो सभी फिर देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं सो ये देखिए यहाँ पर फिर से डिलीट कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम इनको यहाँ पर रिफ्रेश करके देखिए इस तरीके से यहाँ पर आएंगे, और इसको सबसे पहले एप्लीकेशन को इस तरीके से क्लोज करेंगे और फिर से हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें फिर से मिल जाएंगे। लेकिन बात ये प्रॉब्लम जब आती है जब ये बहुत दिन तक यहाँ पर फोटो जैसे कि ये होती हैं, इन्हें मैं फिर से डाउनलोड कर लूँगा तो देखिए ये फिर से हमारे वहाँ पर गैलरी पर आ जाएंगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फिर से यहाँ पर गैलरी पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि इन फोटो को अगर हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं या वहाँ से भी डिलीट हो जाती है और ये काफ़ी दिन तक यहाँ पर पड़ी रहती है, और फिर यहाँ पर जब हम इन फोटो को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है और वो फोटो यहाँ से डाउनलोड ही नहीं होती हैं, उन्हें कैसे डाउनलोड करेंगे? तो चलिए वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर जैसे कि काफ़ी दिन तक रुकी रहती हैं, अगर वो समय निकल जाता है तो इनके बाद यहाँ से डाउनलोड नहीं होती, तो आप उन्हें कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए देखिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, उसका नाम यहाँ पर देखिए उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वरना आप लिखेंगे डिस्क डिगर तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये प्ले स्टोर पर देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा डिस्क डिगर फोटो रिकवरी, इस तरीके का एप्लीकेशन मिलेगा और उसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसे आप ओपन करेंगे तो ओपन करने में देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आएगा। अगर जब वहाँ से फोटो आपकी रिकवर नहीं होती है तब आपको यहाँ पर रिकवर करना होगा। इसके लिए देखिए आप अगर वीडियो को रिकवर करना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करेंगे देन फोटोज़ को, तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करेंगे और जितनी भी आपकी यहाँ से बहुत सारी पुरानी फोटो को यहाँ पर रिकवर करके आपके सामने ले आता है। मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ था पहले इतने दिन से मैं वीडियो बना रहा, लेकिन मुझे ये बाद में पता चला। तो यहाँ पर देखिए आपकी जितनी भी फोटो होंगी उन्हें यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपकी कौन सी फोटो है, और उन्हें यहाँ पर रिकवर भी कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस फोटो को रिकवर करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर हम टिक करेंगे और यहाँ देखिए रिकवर का ऑप्शन मिलेगा, रिकवर पर हम क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा इस फाइल को कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं इसे चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप कोई भी फोल्डर चूज कर लेंगे या चलिए यहाँ से इसे बैक आते हैं, और बैक आने के बाद देखिए यहाँ पर मैं ये कलर्स OS पर मैं क्लिक करता हूं, और यहां पर देखिए यूज़ दिस फोल्डर पर मैं क्लिक करूंगा, देन अलाउ पर क्लिक कर देंगे, और ये फोटो देखिए सेव्ड फाइल्स जो है ये देखिए रिकवर हो जाएगी। लेकिन इसे रिकवर करते वक्त एक ऑप्शन आया था जिसका नाम था प्रो, यहां पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक फाइल को फिर से सेट कर लेता हूं, और देखिए यहां पर यूज़ दिस फोल्डर में क्लिक करूंगा, अलाउ पर परमिशन करूंगा, और तो ये देखिए एक अब बोल रहा है अपग्रेड टू प्रो। अगर आप प्रो वर्जन को अपग्रेड करेंगे तो मैं HD क्वालिटी में उस फोटो को रिकवर कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहां पर फोटोज़ पर जाएंगे और फोटोज़ पर आप क्लिक करेंगे तो अपनी फाइल में यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको वो फोल्डर चूज कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए फोटो तो वो रिकवर हो जाएगी लेकिन वो बहुत लो क्वालिटी में होती है। अगर उसका प्रो वर्जन खरीदेंगे कुछ पैसे पे करने होंगे तो आप इसे वर्जन क्वालिटी में डाउनलोड कर पाएंगे, वरना लो क्वालिटी में डाउनलोड करके देता है। इस तरीके से रिकवर कर सकते हैं आप अपने WhatsApp की सभी फोटोज़ को।